यार इंडिया, आप सोच रहे होंगे ये सूटकेस, ये गॉगल्स, ये नारियल पानी, आखिर ये हो क्या रहा है यार। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां यादें ताजा हो रही हैं हनीमून की, क्योंकि हनीमून वो पीरियड होता है जहां कपल्स दुनिया से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाने की शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को समझने की शुरुआत करते हैं, जहां जोड़ियां एक दूसरे की आदतों को जानती है, उनके फेवरेट्स को पहचानती है, जहां जोड़ियां भूल जाती हैं कि उन्हें कोई देख रहा है, और एक दूसरे के हाथ पकड़कर यूं चलती हैं कि रास्ते खत्म हो जाएंगे पर एक दूसरे का साथ खत्म नहीं होगा। यार एक बार जोरदार तालियां ऐसी जोड़ियों के लिए। मुझे बताइए कि सुहाग रात वाले दिन आप दोनों ने हनीमून मनाया था या नहीं? हाँ। नहीं। सच बोलता हूँ हमेशा वो। अच्छा मुझे लगा कि एक्टर वाइफ, एक्ट्रेस वाइफ है, कुछ और थोड़ा तड़का लगा के कुछ फ्लेवर लाए, कुछ अच्छा सा कुछ करेगी। सो गया यार आगे। मुझे भी लगा ये भी थोड़ा तैयार वैयार होकर आएगा एकदम मस्त। ये एलिमेंट अंकिता का बेस्ट होने वाला है मुझे लगा। तैयार होकर आना चाहती थी, पर बस ये चाहती थी, होना चाहता था, यही हो। तुम लोग घबराओ मत, एक काम करते हैं, बेड बिल्कुल तैयार है, तुम लोग बिल्कुल तैयार हो, ओवर टू यू। म्यूजिक वो जा चुकी है, चला जा भाई। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच विकी, थैंक यू अभिता, प्लीज आइए। कभी मेरे दिल में ख्याल आता। वैसे देखिए हनीमून स्पेशल है, तो मैम आप लोग जब घूमने गए थे हाँ? तो कॉमन इंटरेस्ट थे या एकदम से आपने देखा इनका तो कुछ और ही इंटरेस्ट है, ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है? इन्होंने बहुत स्मार्ट चीज की। हाँ क्या? ये मुझे सीधा लेके गए कश्मीर, जहाँ पर मुझे बहुत ठंडी लगती है। हम लोग गए थे जनवरी के अंदर, जनवरी 19 हमारी वेडिंग हुई थी और दो दिन के बाद हम लोग कश्मीर चले गए। तो वहाँ पर इतनी बर्फ थी और पूरा शहर बंद था, पहलगाम में थे हम लोग, पूरा शहर बंद था। 4 बजे के बाद तो रूम के बाहर भी नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। It was really freezing. एक दूसरे को सही जगह चुनी इन्होंने। Just you know, ध्यान रखो, keep yourself warm. चलिए भाई मैं देख रहा हूँ जोड़ियां बिल्कुल तैयार हैं, एक्साइटेड भी लग रहे हैं, लेकिन तो सर मेरे को एक बात बताएं, हनीमून पे आप लोगों ने क्या क्या किया, कहाँ गए, क्या था? हमारा ऑलमोस्ट 3 हनीमून हुआ था। यहाँ लोगों का एक नहीं हो रहा, वो बैठे हैं हाथ मल रहे हैं, आप तीन 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 हनीमून हुए। पहला कोलंबो गए। ओके ओके, वो बहुत शॉर्ट हनीमून था, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट था, सब प्लान करके बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके। अच्छा, ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए गए। एक हफ्ते के लिए भाई, एक हफ्ते के लिए। हाँ, मोस्ट मेमोरेबल थिंग था कि कोलंबो में रूबी स्टोन्स बहुत फेमस है। ओके, तो इन्होंने मेरे को शॉपिंग गए हम और मेरे को लेके गए एक पेंडेंट, रूबी का पेंडेंट लेके दिया। क्या बात है,
फर्स्ट ज्वेलरी, वो मैंने आज भी रीसेंटली रीसेट करके वो देख लो भाई क्या हाल है यार, जो पहना हुआ है इन्होंने अभी। वाओ। दूसरा हनीमून तो वर्ल्ड कप 83 वर्ल्ड कप अच्छा हनीमून। हाँ 83 वर्ल्ड कप वाज गुड लवली, और क्या हो सकता है। मैंने इनको खेलते हुए देखा, लॉर्ड्स में इंडिया को कप उठाते हुए देखा, और कपिल देव का 175 देखा जो और वैसे किसी ने नहीं देखा। और ये सब होते होते हम जाने वाले थे अमेरिका, इंडिया आ गए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को मीट करना था। आते आते मेरी उल्टियां शुरू हो गई। दो दो ट्रॉफी लेके आए हैं लंदन से। ओपनिंग बैट्समैन बाबा, वेल प्लेड, ओपनिंग क्विक फायर ओपनिंग बैटिंग। पर ये बात माननी पड़ेगी सर, एक्चुअली मैं टुकु टुकु नहीं खेलते भाई। बराबर बोला तुमने। इन तीन हनीमून होने से यही होगा। March 30th, 1983 शादी हो गया। March 4th आदित्य पह दिया। क्या आदित्य was born on March 4th। हिमालय सर देख रहे हैं आप? सर आज पर एक बात कहना चाहूंगा सर, आज मैंने इनको ये जो अटायर में देखा ना मैम को, विद्या मैम को, सर मेरे अंदर का दिल्ली जाग गया सर। अरे अच्छी लग रही है, अरे अच्छी लग रही है, ये बहुत अच्छी लग रही है, मैं बोल रहा बहुत अच्छी लगी। मनीष हाँ, तेरा दिल्ली जाग गया पहली बार बिना सारी के ऐसे इतने हॉट ड्रेस में, मेरा मुंबई जाग गया। एक्सक्यूज मी, मेरा बीबी है भाई। मेरा बीबी है भाई। ये कब से बोल रहा है यार अर्जुन? आपका बीवी सर ब्रिलियंट सर। आपका बीवी सर सर फैंटास्टिक सर। एक्सक्यूज मी नेहा, अरे सर चीका सर, अरे वहां देखो चीका सर, मारो मारो, अरे ध्यान मत दो, अरे किधर ध्यान देगा अर्जुन, क्या ध्यान देगा इसका, जाएगा किधर जाएगा रे मेरे। यार मुझे ना आज अर्जुन को देख के हंसी भी आ रही है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो आज है हनीमून स्पेशल, और आप तो हनीमून पे गए नहीं यार, है ना? तो ये क्यों हुआ था अगर ब्रीफली आप बताना चाहें? जब हमारी शादी हुई तो जैसा कि अर्जुन ने पहले भी बोला हुआ है कि ही वॉज नॉट वर्किंग दैट टाइम, तो और हमने शादी भी कुछ ज्यादा ही धूमधाम से कर ली थी, तो फाइनेंशियली भी इतना वो नहीं थे, तो इसने बोला बेबी आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद हमारी एनिवर्सरी आई, हम कोस्टा क्रूज चले गए, मतलब वहाँ चले गए, वहाँ से वापस आए तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर वी हैड अ बेबी, तो यू नो बच्चे का फिर मैंने एक्चुअली 2.5 साल तक ट्रैवल नहीं किया बिकॉज आयान बहुत छोटा था। हाँ। तो वो हुआ, उसके बाद कोविड आ गया तो उसमें चले गए 2.5-3 साल, उसके बाद अब हम यहाँ हैं, तो फिर जाएंगे 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 बिल्कुल जाएंगे। लेकिन हम बहुत जगह गए, उसको हनीमून का नाम नहीं दिया, लेकिन ठीक है। हाँ, मतलब पूरी पूरी फैमिली कभी कभी गई, कभी कभी 15-20 दोस्त गए बस। तो मेरे ख्याल एक जो है हनीमून पैकेज जो है वो तुम्हें बुक करा के बोलना पड़ेगा, एनवेलप के ऊपर बड़ा बड़ा ये हनीमून पैकेज है, तब वो हनीमून माना जाएगा। के रूबरू
तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, जब तक जहाने सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहाने मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहाने तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। तुम्हें खिड़की पे देखने के लिए वो मेरे रास्ते पे खड़े रहना, तुमसे मिलने के लिए वो दीवार कूद जाना मेरा। कोई जो पूछे क्या है जिंदगी, कह देता हूं जिंदगी है मुस्कुराना तेरा। फिर से वही बोलूंगी कि ये सब कुछ ही चीज मतलब एक ही बार में कर दिया, मतलब ऐसे तुम्हें चाहिए था ना। हाँ मैंने कर दी, अब रोज करना। करते रहो, अब आदत पड़ गई है देखो मुझे। नहीं चाहिए ना, तुम्हें गाने लगाऊं और फूल दूं, नो प्रॉब्लम। बट आई सॉ पूरे गाने में नेहा सिर्फ रो रही थी, इमोशनल थी, और अर्जुन का हाथ कांप रहा था। ये सच में कांप रहा था, बिकॉज ऐसा वाला मैंने कभी एज सच नहीं कर पाया मैं, या शायद मेरी खामी है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। मैं देख सकता हूँ कि वो कितनी खुश है, और ये मोमेंट हम सबके लिए, बहुत सारे मोमेंट्स यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, और ये मोमेंट जिंदगी भर छप चुका है, यू नो। जब भी हम देखना चाहें इसे देख सकते हैं, और खास करके जब थोड़ा बेटा हमारा बड़ा होगा ये देखेगा, तो आई थिंक वी विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर हिम ऑल्सो कि यार प्यार मेरे माँ बाप ने किया। क्या बात है मनीष, इसने इतने अच्छे से किया ना ये। हाँ तो मेरे को अपनी लाइफ में कभी किसी से कोई जेलसी नहीं हुई, मेरे को आज हुई है कि ये इसने पहले कर दिया ये। ऐसा मैं इतनी शिद्दत से किया ना, मेरी बीवी रोने लग गई यार। मतलब तेरी बात यहाँ तक पहुंची, सोच वहां कैसे पहुंची। Yes, हो? Yes, 100%. यार बिल्कुल यार। Love you both. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और साथ ही में ये इतना बड़ा जो बुके था मैं लेके जा रहा हूँ। यार आज वैसे हनीमून स्पेशल में कपल से बातें करके बहुत मजा आ रहा है यार। एक सेकंड मनीष। हाँ भाई, हनीमून स्पेशल है ना, हनीमून हाँ। कपल्स का होता है। हाँ तू क्या अकेला आदमी यहाँ पे आके टिप्पणियां करे जा रहे हैं हनीमून। तेरे को हक ही नहीं हनीमून पे बोलने का। हनीमून पे वो बोले जो हनीमून मना के आए। वो आदमी ना बोले जो पैसे के लालच में बीवी को यहाँ लाई नहीं रहा। एक काम करता हूँ, मैं वहां जाके बैठता हूँ,
अब तू ही आके बोलेगा अकेले। आज बोलेंगे, घर पे तो बोलने मिलता नहीं। यार एक तो मेरी ना एक रिक्वेस्ट है, ये नीलेश्वरिया के सामने हनीमून हनीमून बोलना बंद करो। हाँ यार मतलब एक तो बेचारे जा नहीं पा रहे, ऊपर तुम चढ़ा रहे हो उनको। ये तो वही बात होगी ना, भूखे के सामने पकौड़े रख दिए और बोलो खाने नहीं बेटा ठंडे हैं। सर हनीमून की जरूरत क्यों पड़ती है? सर आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, 33 हनीमून, दो बच्चे, दो बच्चे, 31 बार क्या गया आपने? मेरे दादाजी एक पे भी नहीं गए, 11 है उनके। मैं सोच रहा हूँ कभी कभी जाते तो क्या करते ये। फिर मेरे को समझ में आया कि दो हनीमून में आपने हनीमून मनाया और बाकी 31 बार आपने मैडम को मनाया। और वो तो मान ही नहीं रही है, सबके सामने भी बेबी मांग रहे, नहीं दे रही, टोपी पहन आ जाती है। मैंने प्यार किया देखी सबने, सबने इस औरत ने सलमान खान का टोपी पहना दी भाई साहब। वो किसी को भी पहना सकती है। बहुत बढ़िया, इतने प्यार से बोला ना, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। सलमान भाई उस बात को इतना सीरियसली ले गए, आज तक दोस्ती ही कर रहे, शादी कर ही नहीं पाए। वेरी गुड। चिका सर भी गए थे बड़े 7-स्टार होटल में, अंदर घुसे तो 7-स्टार में सजावट ज्यादा कर देते हैं, ये जैसे कमरे में घुसे वहां उन्होंने टावल की बत्तख बना के रखी हुई थी। रखते ना, रखते रखते टावल की बत्तख। मोदे मैम को बोले इधर तो बत्तख पड़ा है, हम कहां सोएंगे। बराबर है। विद्या मैम ने इनको बोला अब एक काम करो, मैं 204 में हूँ, तुम 203 में चले जाओ। ये तब से अलग सो रहे, इनको लग रहा है मेरा हनीमून चल रहा है। ये गौरव ऋतु भी गए थे हनीमून पे, बेचारे होटल में चेक इन ही नहीं कर पाए। क्यों? वो कह रहे सर बेडरूम में कैमरे अलाउड नहीं है। मैं तुमको एक सच बात बताऊं, जितने भी लड़के हैं हनीमून के नाम पे तुम खुश मत हुआ करो, क्योंकि हम लोगों की कोई जरूरत होती नहीं हनीमून पे, ये लड़कियां अकेले भी जा सकती। तुम्हें फिल्म देखी है ना? हाँ। लड़कियां अकेले गई बनी ना फिल्म। हमारी कोई जरूरत नहीं होती, ये इनका एहसान है हम पे कि हमें ले जाती हैं साथ में, क्योंकि इनको हमारी फोटोग्राफी स्किल चेक करनी होती है। इनकी फोटो होती है भाई गोवा के बीच पे, हॉट सिसलिंग चिलिंग, हस्बैंड साइड पे बिलिंग। बलराज, हाँ जी, तुम्हारे हिसाब से आइडल हनीमून क्या होना चाहिए? हनीमून हनीमून होना चाहिए। हाँ मतलब जाओ रोमांटिक गेटअवे। और तुमने क्या किया? बेबी मैंने भी वही किया जो सब करते हैं, अब इधर थोड़ी सबको प्रूव करेंगे। नहीं नहीं, जो तुमने किया है वो तो मैं अपने बच्चों को दिखा सकती हूँ। भाई व्लॉगिंग उसकी बोल रहा है, खुद के वीडियो बन रखे हैं, यहाँ चलाओ। सब हस्बैंड्स को लेके जाते हैं, मैं गई थी। क्रिकेट देख रहा था, टीवी देख। वाह वाह वाह। वाह अरे वाह। फिर भाई मैच देखने की तैयारी कर रहा है। और ये अभी 1% दिखाया मैंने। क्रिकेट मैच देखना क्या कोई गुनाह है भाई साहब? इंडिया का लेजेंड खेल रहा विराट कोहली, उसको नहीं देखे? विराट कोहली लेजेंड है, सीखो फिर उससे कुछ। क्या सीखे उससे? वो क्रिकेट पे अपनी बीवी को साथ में लेके जाता है। बीवी को साथ ले जाके क्रिकेट देख रहा है। हम जहाँ रह रहे थे हमारे कॉटेज के बिल्कुल साथ वाले कॉटेज में, जैसे छोटे छोटे बच्चे थे, एक फैमिली आई हुई थी, ये उनके साथ जाके खेल रहा है। ये लग रहा उधर क्रिकेट, इधर बच्चों के साथ, अपने स्कोर ठीक कर ले, अपने हो जाएंगे। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। ओए दीप्ति के लिए जोरदार तालियां। काम आई वीडियोस मेरे काम आई। मैं भूल गया आगे। थैंक यू तालियां। ओए जोरदार तालियां। यार जोरदार तालियां बलराज और दीप्ति के लिए। बिग हैंड।